उनके लोग जो है केवल पेंशनधारी थे, मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से मेहनताना पाते थे। प्रचार प्रसार, झंडी डंडी, उद्घाटन इनमें लगा रहता है। तीन जगह उद्घाटन करता है, चार दफा ड्रेस बदल लेता है। वो देश को बदलने के लिए आया था या अपनी ड्रेस बदलने के लिए आया था? इतिहास जो है, कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है और सदैव इतिहास ही रचती आई है। कोई एक ये नया मुकाम नहीं दिया है। इलेक्शन होते रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है यहाँ अध्यक्षों का चुनाव होता है। ये कोई गाय बजाए जो है ना दो कमरों में बैठ के दो आदमी निर्णय लेने वाली पार्टी नहीं है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने जो अपना बलिदान दिया था उससे रिलेटेड पार्टी है। ये लोग जो जिनके बारे में आप प्रश्न उठाते हैं, फलाना मोदी जी ये कहता है, अमित शाह जी ये कहता है, अरे वो क्या जाने इतिहास के बारे में, वो आज़ादी के बारे में क्या जाने। जुम्मा जुम्मा उनके लोग जो है केवल पेंशनधारी थे, मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से मेहनताना पाते थे उसकी एवेज में। और रही बात देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे, आज तक मुझे आप बता दीजिए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर कैपेसिटी ही नेवर अटेंड एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी उसने आप लोगों को रूबरू होके फेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डरता है जनता के सवाल आप रखेंगे, जनता की मांग उठाएंगे। और इसीलिए इस लोकतंत्र में जो है आप लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यही कारण है कि वो मीडिया से भागता है हमेशा और प्रचार प्रसार, झंडी डंडी, उद्घाटन इनमें लगा रहता है। किसने चुन लिया? कमाल करते हैं यार, इस देश में 9000 डेलीगेट्स आए हैं। डेलीगेट्स बनने से पहले जो है एक एक आदमी ने डिजिटल मेंबरशिप ली है। मेंबरशिप लेने के बाद बाकायदा वो एनरोलर बना है। मैं एक एक आदमी का आपको जो है कार्ड दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैं भी एक डिजिटल एनरोलर हूँ। ये मुझे AICC ने कार्ड दिया, मेंबर बना, मुझे राइट दिया और तब मुझे जो है वोट का राइट मिला। ऐसे नहीं है कि आपने बंद कमरे में ले लिया कि जी मैं तो जो है इनको जो है एक साल और एक्सटेंशन दे देता हूँ, मोदी जी ठीक रहेगा, हाँ हाँ हाँ, एक तड़ी पार ने उसको हाँ कर दी। तो ये देश का लोकतांत्रिक वो नहीं है। और आप देख लीजिए, जैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। मैं चैलेंज से कहता हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। वापस कांग्रेस आ रही है, जनता उसको लेकर आएगी, जनता की मांग है। 1947 के बाद सड़कों पर इस तरह का जनाधार पहली बार उतरा है, आप देख ही रहे हैं। आप लोग जो है भलीभांति परिचित है, भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी व्यक्ति बुलावा देकर नहीं बुलाया गया है, स्वेच्छा से अपने मन से उसकी इच्छा करती है वो आगे आता है। और एक छोटी सी टी शर्ट बदलने पर वो व्यक्ति इतना बड़ा लांछन लगा लेता है, खुद जो है गुच्छी का जो है चश्मा लगाता है, ब्रांडेड वो पहनता है, केदारनाथ में जाता है, तीन जगह उद्घाटन करता है, चार दफा ड्रेस बदल लेता है। वो देश को बदलने के लिए आया था या अपनी ड्रेस बदलने के लिए आया था? हमें यहाँ जो है ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे सुनक जी को एक मिनट में स्थापित कर दिया गया। नाकाम होते हुए स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी आपकी सेवा, लोकतांत्रिक तरीके से नया चुनी है। मोदी जी सामने आए और कहें, आज वही हिंदुत्व का राग पीट रहे हैं ऋषि सुनक जी के बारे में कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर, हिंदू प्राइम मिनिस्टर। अरे वो वहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके फोर फादर्स इंडिया से गए हैं, उनकी नागरिकता वहाँ की है। हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है, एक भारतीय ने जो है वहाँ पर अपना परचम लहराया है तो क्यों नहीं सोनिया जी बन सकती थी? ये तो ये कहते थे संसद के पटल में, मैं शाम तक जो है तेल डाल के आत्मदाह कर लूंगी, सोनिया जी अगर बन गई तो। ये कोई तरीका थोड़ा है? अरे लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनकर आई थी, देश में जो है वोट ऑफ राइट था उसका, वो बन रही थी, आपने नहीं बनना दिया, कोई बात नहीं। गांधी परिवार जो है हमेशा त्याग की मिसाल रही है, त्याग दिया है, त्याग करते रहेंगे। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी आपके सामने जो है जुम्मा जुम्मा चंद मिनट भी नहीं गुजरे हैं, एक अध्यक्ष हमने दिया है लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। अगर वो
असली भारत माता का सपूत है, अपने उसमें जो है ऑफिस में आए और कहे कि मैं जो है आज से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है लागू करता हूं, वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है कॉर्पोरेट हाउस से बंधा हुआ है, उसको जो है कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है, दिल्ली के अंदर उसने अपनी एक रोबोटिक्स सरकार बैठा रखी है, केजरीवाल प्रोग्राम भर के जो है उसको चलाता है, उतना ही धक्का देता है जितना उसको चाहिए मोदी को। हिमाचल हम जीत के आएंगे, बींग ए ऑब्जर्वर ऑफ द बैजनाथ सीट, मैं चैलेंज से कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार आ रही है, कोई रोकना चाहे तो रोक ले। गुजरात में भी परचम लहराएंगे, लेकिन हिमाचल के बाद पोस्टपोन कर लिया, उसने अपनी स्वेच्छा से रखा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लोकतांत्रिक तरीके को मोदी जो है अपनी स्वेच्छा से चलाता है, डायरेक्शंस देता है कि तुम जो है इस तरह से इलेक्शंस करिए, इतने दिन बाद रिजल्ट करिए, इतने दिन बाद सेटिंग हो जाएगी। क्यों बच रहे हैं? अरे गुजरात में पहले नहीं गए थे, अब फिर जाएंगे। लोगों का समर्थन मिला हुआ है, जनाधार मिला हुआ है, जनाधार के साथ रात भूल लिए हैं। ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है हमारे बीच में कि जो भाजपा वालों से डर जाए। ये उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है बलिदान दिया था अपना। इस देश को भ्रमित करने के लिए एक व्हाट्सएप मीडिया इस संसार में स्थापित कर दिया गया है। सर्वर तो डाउन होगा आगे आगे, पता नहीं क्या क्या डाउन होगा, उसको आगे कर दिया गया है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं बड़े कोमल नाजुक होते हैं, वो एक भंवरे की तरह से है, जैसे फूल पे एक भंवरा बैठता है ना, वो कलियां खिल जाती हैं। तो मोदी जी ने भंवरा बन के उन कलियां को खिलाया और उसको भ्रमित करके जो है बच्चों का शोषण कर लिया। शोषण करने के बाद आज 8 साल में पता लग गया कहां 2 करोड़ रोजगार दे रहा था। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कोई लोग सुनने वाला नहीं है, कोई कहता है तो हंस के टाल के निकल जाते हैं। अरे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी 463 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आपको अच्छा नहीं लगता था? निर्मला सीतारमण तो कह रही है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ डॉलर तो मजबूत होगा, जब इनकी सरकार रहेगी तो डॉलर ही मजबूत होगा, ना कमजोर तो होगा ही नहीं। रुपया तो 100 के पार होगा तब दिखाई देगा इनको, अभी तो जो है 83 पर है। जिस समय 100 के पार हो जाएगा तब डॉलर मजबूत होके जो है नीचे आना शुरू होगा। हाँ तो बेचने वाले भी यही है। गुजरात में जो है कोऑपरेटिव बैंक था, वहां से अनअकाउंटेड मनी कितना हुआ था, सारा खाता लेखा जोखा जला के डंप कर दिया। मैं तो गारंटी से कहता हूँ, दुबई में बंधुओं के बड़े बड़े बुर्ज खलीफा से भी बड़े टावर बन रहे हैं, और ये व्यवस्था की जा रही थी ना नोट बदलवाने की, उस समय कंटेनर के कंटेनर भर के नोट वहाँ भेजे गए थे। सर अभी आपने कहा कि देश बदल रहा है, तो देश तो बदल ही रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, अयोध्या नगरी में इतने दिए जलाए जा रहे, महंगाई तो है। दिए तो कब से नहीं जलाए जा रहे, दिए तो भगवान राम जब इस गायों को मंत्र सुनाए जा रहे हैं। अरे मैडम, महिलाओं का जो है अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, सरेआम जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप गाय माता के जो है कानों में जाके मंत्र भूकते हैं, अपनी बहनों को माताओं को उनकी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे मंत्र भूकने से क्या फायदा। सैकड़ों हजार गायें जो है गुजरात में मर गई, क्या किया इन्होंने? कोई वैक्सीन लेके आए सिवाय पब्लिसिटी के? झंडी डंडी दिख रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, झंडी डंडी प्रोग्राम लगाओ और उद्घाटन करो, जनता आप भुगतेगी। अरे केजरीवाल, मैंने बताया भाई साहब, बीजेपी का रोबोटिक वो है, प्रोग्राम्ड रोबोट है, वो उतना ही चलता है, उतना ही बोलता है जितना उसको प्रोग्राम करके बीजेपी दे देती है। अरे हमारे लक्ष्मी गणेश को तो नोटबंदी करके उसी दिन खींच लिया था इसने, जब आपके माँ बहनों के ट्रंकों में से जो सेविंग की हुई जो है रकम थी, जो अपने कभी इमरजेंसी कुछ हो जाए, घर में फैमिली में कोई बात हो जाए तो उसके लिए बचा के रखती थी, उसको इसने छीन लिया। हर एक माँ बहनों के जो है पीटी अकाउंट होता था, छोटा छोटा पीगी अकाउंट बच्चों का, जैसे हम गुल्लक में डालते हैं कि कोई विपदा आए, कुछ समस्या हो तो परिवार आगे एकजुट रहे, उसको पहले ही छीन लिया नोटबंदी करके। पहले जो है मोदी जो है माफी मांगे देश से, तो महालक्ष्मी का फोटो जो है तब दोबारा पुनर्स्थापित होगा।